और चलिए बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां की आबो हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है, कई जगहों पर एक्यूआई खतरनाक स्तर पर है। अगर बात करें अशोक विहार की, तो यहां पर PM2.5 का लेवल यानी कि 1450 के पार हो चुका है। दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई जो है वो 522 दर्ज किया गया है। दिल्ली के ITI शाहदरा में एक्यूआई 644 दर्ज किया गया है, जो कि काफी गंभीर श्रेणी में है। तो यहाँ पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई, AQI का स्तर लगातार हमने आपको दिखाया। बहस एक दिन राहत जो है 28 अक्टूबर के दिन मिली थी, जब हवा की गति थोड़ी तेज थी और ऐसे में मौसम मेहरबान हुआ, जिसके चलते आबो हवा थोड़ी ठीक हुई थी, AQI जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ था पिछले दिन के मुकाबले, हालांकि गंभीर श्रेणी में था। लेकिन अब जो हालात हैं वो काफ़ी चिंताजनक बने हुए हैं, और सुबह सवेरे एक मोटी चादर जो है सफ़ेद रंग की छाई हुई नजर आई, कोहरा जो है वो चारों तरफ नजर आया, जो कि पूरी तरह से जहरीला कोहरा था। और इसी के साथ जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी अहम कदम उठाए हैं और करीब 200 गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर उतारी गई हैं पानी के छिड़काव के लिए, जो कि दिल्ली के तमाम सड़कों पर पानी का छिड़काव करेंगे, और जो पेड़ पौधे हैं उन पर पानी का छिड़काव जो है वो किया जाएगा, जिससे थोड़ी सी राहत जो है वो हो सके। और जिस तरीके से धूल उड़ती है सड़कों पर, मिट्टी उड़ती है, ऐसे में उससे प्रदूषण और ना बढ़े, लगाम थोड़ी सी इस पॉल्यूशन पर लग सके, उसकी कोशिश जो है वो की जा रही है। सड़कों पर आप दो तस्वीरें जो है वो देख पा रहे हैं, जहां पर एक तरफ पानी का छिड़काव होता आपको नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं इंडिया गेट। और यहां पर ये तस्वीरें आपको दिखाई हमने सुबह सवेरे की, जहां पर लोग जो हैं सुबह सुबह अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए पहुंचते हैं, जॉगिंग करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ये लोग जो अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए वॉक करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं, सैर करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में ये लोग जो हैं जहरीली हवा के तले ही एक्सरसाइज और योगा करने पर मजबूर हैं, जो कि इनके स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। और अब देखिए गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी की एक खास रिपोर्ट पॉल्यूशन पर। दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद भी पॉल्यूशन की जद में आ गया है। गाजियाबाद के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पॉल्यूशन का स्तर 341 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली से सटे हुए लोनी इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 341 एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। वहीं संजय नगर की बात करें तो 328 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ये वो तमाम इलाके हैं गाजियाबाद के जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड माने जा रहे हैं और जो देखे गए हैं। फिलहाल मैं NH9 पर मौजूद हूँ, आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से धुंध सी छाई हुई आपको सड़कों पर आपको दिखाई दे रही होगी। जो दूर तक आप देखेंगे, जो आसपास की इमारतें हैं वो भी धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। बेशक सूरज देवता ने दर्शन दे दिए हैं, उसके बावजूद भी आप देखेंगे किस तरीके से ये वो धुंध की चादर है, ये कोई कोहरे की चादर नहीं है, ये वो धुंध है, ये वो पॉल्यूशन है जिसने पूरे गाजियाबाद को अपनी आगोश में लिए हुआ है। और यही वो पॉल्यूशन है जो आम जनता को बेहद परेशान कर रहा है, लोगों की सांसों पर संकट बनाया है। पर अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद में अभी सोए हुए हैं, लोगों को भी जागना होगा, लोगों को खुद भी ज़मीनी स्तर पर अपने स्तर पर काम करना होगा, क्योंकि ये सिचुएशन अलार्मिंग सिचुएशन है। लोगों को समझना होगा किस तरीके से सांसों पर संकट बनाया है, लोगों को आसपास के वातावरण और एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे ठोस कदम भी अब उठाने होंगे, क्योंकि अधिकारी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। बेशक ही ग्रैप 2 के नियम दिल्ली NCR में लागू हैं, पर ग्राउंड जीरो पर कोई भी काम उस लेवल पर मुझे नहीं दिखा, क्योंकि ग्रैप के जब नियम लागू होते हैं तो सड़कों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जाता है, पर गाजियाबाद में उस लेवल पर कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दिया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हों, धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन की साइट्स पर भी काम चल रहे हैं। तो यही तमाम वो मुख्य कारण हैं जो आम जनता की सांसों को घोट रहे हैं, जो लोगों के दम घुटने लगे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज भी अब डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं, डॉक्टर्स के पास लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुँच रहे हैं, चाहे वो आँखों में जलन हो या गले में खराश हो। तो आपको समझना होगा और ग्राउंड जीरो पर खुद
खुद भी काम करें और खुद भी सतर्क हों, क्योंकि अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब देखना यही होगा आम जनता इस पोल्यूशन से, इस दमघोटू हवा से कब तक राहत ले पाएगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।